राहुल को मौका मिल सकता है, संजू सैमसन हो सकते हैं बाहर। नमस्कार, मैं रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का ऐलान रविवार को किया गया था। इस समय एशिया कप खेल रही भारत की वर्ल्ड कप टीम में कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, इसकी चर्चा जारी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को लगभग फाइनल कर चुका है। वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI वर्ल्ड कप के लिए स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल को मौका दे सकते हैं, जबकि संजू सैमसन नजरअंदाज किए जा सकते हैं। एशिया कप 2023 में शनिवार को भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला बारिश के कारण रद्द होने के बाद टीम को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हुई। BCCI के हेड सिलेक्टर अजीत अगरकर ने ICC वनडे वर्ल्ड कप टीम को अंतिम रूप देने के लिए 2 सितंबर को भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला रद्द होने के बाद कैप्टन रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड से मुलाकात की थी। एशिया कप 2023 में भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला भारतीय पारी के बाद बारिश की भेंट चढ़ा गया था। वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया में BCCI युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौका दे सकता है। टीम में शुभमन गिल और ईशान किशन को शामिल किया जा सकता है। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर को जगह मिल सकती है। टीम की कमांड रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी, जबकि विराट कोहली नंबर 3 या नंबर 4 पर खेल सकते हैं। वही माना जाता है कि सिलेक्टर्स बल्लेबाज लाइनअप में गहराई देने पर जोर देंगे। टीम में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर को मौका मिला है। गेंदबाजों में टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, इन 3 तेज गेंदबाजों को मौका मिला, जबकि कुलदीप यादव के रूप में एक स्पिनर को चुना गया। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स में।